पंजाब में बीएड का जो काउंसलिंग प्रोसीजर चल रहा है बीएड के एडमिशन के लिए, उसके रिगार्डिंग लास्ट स्टेज पर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है जब आप एंट्रेंस टेस्ट पास करके उस कॉलेज के में सीट किसी कॉलेज में जहां आप चाहते थे वहां अलॉट हो गई है, वहां पहुंचते हो तो वहां डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है। लेकिन ये बाद में जानने की जरूरत नहीं है, ये पहले जानने की जरूरत है। अभी आप एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज अभी चाहिए कि लास्ट तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। दैट इज व्हाई आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट लास्ट टाइम पर आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट है जो एंट्रेंस टेस्ट आप दोगे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आपका रैंक आएगा जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वारा लिया जाएगा, रैंक की उसकी एक स्लिप होगी रिजल्ट की, वो आपको चाहिए। नंबर दो पर एडमिट कार्ड आप संभाल के रखोगे, वो भी लास्ट स्टेज तक चाहिए। प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो फॉर्म आप एंट्रेंस टेस्ट का अभी फिल कर रहे हो, 7 स्टेप हैं जिनके, लास्ट स्टेप में उसकी प्रिंट कॉपी अपने पास सेव रखनी है और एक सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास सेव रखिए पीडीएफ बनाकर। नेक्स्ट है डिटेल मार्क्स कार्ड ऑफ मैट्रिक, ये क्यों चाहिए, इसलिए क्योंकि ये देखना है कि 10th में अगर आपने पंजाबी पढ़ी हुई है तो आपको पंजाबी ऑप्ट करनी होगी। अगर आपने पढ़ी है आप हिंदी ऑप्ट करते हो तो यहाँ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है तो आप डिस्क्वालीफाई फिर हो जाते हो। करेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट इंस्टीट्यूट जो भी आपने अटेंड की है उससे करेक्टर सर्टिफिकेट आप पहले ही बनवा सकते हो। अच्छा, रेजिडेंस और डोमिसाइल सर्टिफिकेट 5 साल के लिए जनरली वैलिड होता है, अगर 5 साल से अधिक हो गए हैं तो ये आपको पहले बनवा लेना चाहिए। ये कैसे कहां से बनता है इसके लिए अलग वीडियो है, वैसे पहले वीडियो भी अपलोडेड है वो भी देख सकते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी जो एससी बीसी एसटी कोई भी आपकी रिजर्वेशन है उसका सर्टिफिकेट, ये एक बार बना हुआ है लेकिन न्यू फॉर्मेट में अब ये सर्टिफिकेट बन रहे हैं तो आपको क्लियर कर लेना चाहिए, इसके लिए भी अलग वीडियो बना दूंगा। जिन लोगों ने क्लेम किया है रूरल एरिया का, जिन्होंने 10th भी एंड नॉट और एंड 10+2 दोनों रूरल एरिया से किए हैं, ओके, और वो सर्टिफाई कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या सरपंच, ठीक है, मोस्टली एक्सेप्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का। अगर ये पहले नहीं बनवाते या कंफर्म नहीं करते तो आपकी आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब बाद में हो जाओगे। ये हो सकता है कि इसके रूरल एरिया के जो आपको क्लेम मिलना है उसके बिना ही शायद मेरिट ऊपर चली जाए और आप इसका क्लेम कर बैठे हो तो आपको हर हालत में ये प्रोड्यूस करना ही होगा, आपका रैंक कोई भी हो, ठीक। तो एफिडेविट अगर आपका गैप है, फॉर एग्जांपल लास्ट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किया, आपका 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का गैप है तो एक एफिडेविट बनता है उसका, उसके लिए अलग से फोटो या वीडियो बना दूंगा, पिछली वीडियो है वो भी देख सकते हो कैसे कहां से बनना है, और कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है तो ये सर्टिफिकेट हर हालत में आपको चाहिए, ये अभी से आपको ध्यान रखना होगा। जिस भी कॉलेज में इंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसर्न्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने कुछ भी चेक नहीं करना, यूनिवर्सिटी ने जहां आपको सीट मिली है उस कॉलेज के टीचर्स आपके ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके और वो ओरिजिनल नॉर्मली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिर उस यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं और फिर वहां यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है क्रॉस चेकिंग। अगर कोई गड़बड़ कहीं भी स्टेज पर पाई जाती है, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपका जो है एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगी। इफ द कैंडिडेट फाउंड इज एलिजिबल एंड कॉलेज विल फॉलो द लेड डाउन प्रोसीजर फॉर द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद में। अच्छा, अगर आप 10th और 10+2 का क्लेम रूरल एरिया का कर रहे हो और आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से पढ़े हुए हो तो आपको सिग्नेचर हायर अथॉरिटी किससे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्लस उस स्कूल के हेड दोनों से करवाने होंगे। और अगर आप CBSE या ICSE से पढ़े हुए हो और वो रूरल एरिया में है तो आपको सरपंच से सिग्नेचर कराने होंगे साथ में स्कूल के हेड के। द रूरल एरिया क्रेडिट विल बी 1% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम, दिस क्रेडिट विल बी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट अंडर रूरल एरिया ऑफ पंजाब ओनली, बाहर के कैंडिडेट इसका क्लेम नहीं कर सकते, जो 15% कोटा होता है।
तो ये थी जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इसका ध्यान आप अभी से रख सकते हैं। थैंक यू।